वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा करुना मेरा जम आ चुका है सेवन स्टैंडर्ड के साइंस के साथ राज्ञा. और आज का चैप्टर का नाम है चेंजेस एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस तो चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है लेट्स रिकॉल वॉट आर द काजेज ऑफ द चेंजेस अकॉरिंग इन आवर सराउंडिंग हीट है ये एक ऑप्शन है इसका वट इज मीन बाई मैन मेड चेंजेस विच ऑफ आर दीज चेंजेस मैन मेड चेंजेस जो हम करते हैं जो इंसानों से होती Next. है नेक्स्ट हम आते थे हमारे जो नीचे लिखा उसके ऊपर टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मेन थिंग विच ऑफ द विच ऑफ द अबाउट चेंजेस हैव बीन ऑन देयर ओन और नेचुरली वी हैव प्रीवियसली स्टडीड सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग

ये टाइम पहले हमने ये पढ़ा था कि कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो जैसे कि किसी फ्रूट का राइप हो जाना है या किसी दूध का स्पॉइल हो जाना ये सारी चेंजेस क्या है ये नेचुरल चेंजेस है अभी क्या हमने ऐसी कोई मटेरियल देखा है वे वॉट कैन चेंज यू हैव सीन इन सीन टेकिंग प्लेस इन द मटेरियल सराउंडिंग यू क्या अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसने आप में एक नेचुरल चेंज होते हुए देखा है जो आपके आजू बाजू रहती है हाँ मैंने मेरे घर के एवरी बालकनी में पाँच से पाँच से ज़्यादा झाड़ है तो आ, मैं हर बार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बालकनी से बना तो बेडरूम्स में स्पेंड करता हूँ तो वो मटेरियल मेरे आजू बाजू में रहता है तो इसके कारण आ, जो चीज़ है मैंने उसमें एक नेचुरल चेंज लेते हुए देखा उस मटेरियल में डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं पर अभी हम आगे देखेंगे मैनी चेंजेस अच्छा शार्पन शार्पनिंग और पेंसिल बेकिंग ब्रेड कुकिंग फूड आर यूज यूजफुल टू अस एंड दीज आर देर फोर कॉल्ड यूजफुल चेंजेस दीज चेंजेस आर नॉट आर नॉट यूजफुल और चेंज और चेंजेस डेट डू अस हम आर कॉल हम जो चेंजेस हमारे लिए यूजफुल है या जो हमारे लिए काम की होती है हम उन्हें यूजफुल चेंजेस कहते हैं और जो हमारे लिए काम की नहीं होती है और उल्टा वो हमें चोट पहुंचाते हैं हम उन्हें हार्मफुल चेंजेस कहते हैं थिंक अबाउट इट कैन यू नो नाउ क्लासीफाई द नेचुरल एंड द मैन मेड चेंजेस यू हैव लिस्ट एज यूजफुल एंड हार्म एंड हार्मफुल चेंजेस सो फार We can study certain types of changes. What you can tell about two of these, namely bursting a balloon or ripening of a fruit, from a point of view of their duration—that is, the time to take—they happen during. Uh, the duration of bursting of a balloon is shorter than the ripening of a fruit. Changes takes place in a shorter period are called fast. और चेंजेस चेंजेस वाइल्ड प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड स्लो चेंजेस सबसे पहली बात हम ये एक बात देख सकते हैं कि uh, जो हमें थिंक अबाउट रिट करना है अगर अगर हम दो क्लासिफाइड मैन मेड या नेचुरल चेंजेस करें तो जो यूजफुल है या हार्मफुल तो सबसे पहले हमें इसके बीच में अभी और एक टाइप आएगा फास्ट और स्लो चेंजेस अभी कौन सी चेंज फास्ट है एक बलून का फूटना या एक फ्रूट या किसी भी चीज़ का सड़ जाना बलून का फूटना ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि वो एक दो सेकेंड में ही हो जाता है और फ्रूट्स का बहुत टाइम लगता है उसे एक दो महीने के ऊपर चले जाते तो फास्ट कौन सा हुआ बलून का जो फूटना हुआ वो फास्ट चेंज हुआ और जो और किसी भी फ्रूट का सड़ना हुआ वो स्लो चेंज हुआ अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आगे कैन यू टेल यू मेड अ लिंक फ्रॉम द गास ग्लास पीस हाउ विल यू चेंज देप ऑफ द लिंग टू गिव इट टू इट्स ओरिजिनल शेप सबसे पहले मैं उसे गर्म करूँगा और फिर जो उसका पहला शेप था मैं उसे वापस मोड़ दूँगा हाउ विल यू रिस्टोर द ओरिजिनल कैंडल आफ्टर मेल्टिंग वन जो मेल्टेड कैंडल थी उसका जो वैक्स है नीचे पड़ा हुआ मैं तो उसे वापस लूँगा और फिर उसे गर्म करके लिक्विड फॉर्म में बना के उसे वापस बराबर कैंडल में खड़ा कर पाऊंगा मेल्टिंग सम वैक्स एंड ऑपटेनिंग ओरिजिनल सॉलिड वैक्स अगेन इज समथिंग दैट वी कैन डू रिपीटेडली द चेंजेस दैट कैन ओकर इन अ फॉरवर्ड एंड अ रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस अर आई मैंगो हाउ एवर कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड बैक इन टू अ रॉ मैंगो वुड कैन नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम द एश फ्रॉम इन टू अ बर्निंग वुड अभी रिवर्सिबल चेंजेस क्या होती है अभी रिवर्सिबल चेंज का एक मेजर एग्जाम्पल है कैंडल अभी कैंडल जल गई पूरी तरीके से जल गई अब उसका जो प्लेट में नीचे वैक्स पड़ा है ना उसे लिक्विड फॉर्म में मेल्ट कर सकता हूँ और फिर उसे कैंडल के जो सॉलिड शेप होता है सिलेंडरकल वाला उसे वापस उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ तो ये क्या हो गया रिवर्सिबल चेंज होगा क्योंकि मैं एक ही चीज़ बार बार बहुत बार कर सकता हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज अभी ऐसा कोई दूसरा चेंज नहीं है ना अगर आप एक सड़े हुए मैंगो को वापस अच्छा मैंगो नहीं कर सकते तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है और एक नेक्स्ट मैंग और नेक्स्ट क्या है वुडन कैन नॉट बी ऑप्टेन फ्रॉम एश फॉम ऑन बर्निंग ऑफ वुड जो वुड था जो जल गया क्या आप उसके जो राख से वापस उसे वुड बना सकते हो नहीं तो ये रिवर्सिबल नहीं है ऑन कंसिडरिंग द अबाउ एग्जाम्पल्स वी कैन फाइंड that some changes occur again and again and again after a definite alternative of time or internal of time such so changes are called periodic changes on the other hand it cannot be said for sure when changes will reoccur after once occurring every. Even if they the time इफ interval is not fixed. Such changes are called non-periodic changes. अभी इसमें दो टाइप की चेंजेस होती है अगर एक चेंज बार बार टाइम टू टाइम आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे पीरियडिक चेंजेस अगर एक चीज बार बार हो रही है पर उसका ये अता पता नहीं है कि वो कब आएगी कैसे आएगी और उसको टाइम कितना लगेगा तो वो है नॉन पेरियोडिक चेंज वो आएगी बार बार आएगी पर कभी दो साल बाद आएगी कभी पाँच साल बाद आएगी कभी तीन साल बाद आएगी ऐसे हम क्या कह सकते हैं नॉन पेरियोडिक चेंजेस यहाँ पे इसे मंथ्स में भी ले सकते हो अब देखो अभी देखो यहाँ पर कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉलोइंग Chain, which of the changes show the picture along our temperature second which of the following changes are permanent in which of the changes did the original matter undergo a change in which of the did the original matter remain unchanged in which of the changes was a new substance with a new property formed इन हाँ तो अभी ये है सारे क्वेश्चन और हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे सबसे पहली बात अभी इस आ, अभी इस पिक्चर में कौन सी चीज़ टेम्परेचर के साथ चेंज हुई है वो है नीचे बर्फ़ गर्म होने के बाद पानी में चेंज हो गई है दूसरी क्वेश्चन विच ऑफ द चेंजेस परमानेंट है अभी ये परमानेंट कौन सा है जो आ, पानी एक मिनट अब ये परमानेंट चेंज कौन सा है तो दूसरा है ना मैग्नेट से उसे खींच निकाला गया वो एक परमानेंट चेंज है फिर नेक्स्ट क्या है थर्ड विच ऑफ़ द चेंजेस डिड द ओरिजिनल मैटर गो अंडर गो इसकी आंसर आता है पहला मैंगो फोर्थ विच इन विच ऑफ द इन विच द ओरिजिनल मैटर रिमेन अनचेंज अभी ऐसा कौन सी है जिसमें ओरिजिनल मैटर रिमेन अनचेंज रहा है वो तीसरा वो रोज का एग्जाम्पल पाँचवा इन विच ऑफ द चेंजेस वॉज अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म्ड इसका आंसर होगा दूसरा तो फिर तो दे दिए अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर इन सम ऑफ द अबाउ एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल रिमेन्स द सेम दैट इज देर कंपोजन रिमेन्स अनचेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड इन सच such change is called physical change the change due to in which substance transform into an another substance having new and different properties is called chemical change सबसे पहले अगर कोई चीज़ सेम रहे उसके ओरिजिनल चीज़ में और उसके कंपाउंड और उसके कंपोजिशन चेंज ना हो तो हम ऐसे चेंज को कहेंगे फिजिकल चेंज जो फिजिकली हुई है और उसे हम वापस उसी सेम चीज में ला सकते हैं और इसके कोई भी नया सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है पर केमिकल चेंज में क्या होता है नया सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके दिखने का स्टाइल पहले वाले से अलग होता है नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड इज कॉल्ड evaporation drying of clothes forming of salt from sea water are possible due to evaporation we have studied some processes that are a part of the water cycle which are these processes do the original property of water changes due to those अभी हमने क्या देखा है कि जितने भी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होती है अभी ये वेपर जो है वाटर वेपर वो कैसे फॉर्म होता है लिक्विड को इवेपोरेट करने के बाद ही वो फॉर्म होता है ना तो वो इवेपोरेट क्या उस चीज़ को क्या कहते हैं उस उस मेथड को हम कहेंगे एवेपोरेशन ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स कपड़े सूखना जो कपड़े होते हैं वो गीले होते हैं फिर जब आप सुखा सूखाते हो तो तभी जो कपड़ों में का जो पानी होता है वो सूख जाता है वो एवेपोरेट हो जाता है और वो आसमान में चला जाता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर अभी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे होता है सी वाटर से सबसे पहली बात जो सॉल्ट होता है वो पानी एवेपोरेट होता है और जो सॉल्ट नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है पॉसिबल ड्यू टू एपोरेशन वी हैव स्टडीड सम समोसेज दैट आर पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल हमने कुछ प्रोसेस पढ़ी है जो वाटर साइकिल का पार्ट है विच ऑफ विच आर दिस प्रोसेस डू द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉटर चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस अभी इतनी सारी प्रोसेस है जिस इन processes के बीच, क्या उस पानी का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होता नहीं प्रीवियसली चेंजेस जो चेंजेस होते हैं हमने प्रिवियसली ये सारी चेंजेस के बारे में पढ़ा था जो चेंजेस अक्सर होते रहते हैं फ़िज़िकल और फिज़िकल चेंजेस में तो ये जितना भी था जितना भी मैंने अभी पढ़ा एवेपोरेशन और ये सारी वाटर साइकिल की प्रोसेस ये सारी क्या है फिजिकल चेंजेस है डिसॉल्विंग बॉयलिंग मिल्टिंग ये सारी क्या है फिज़िकल चेंजेस है इन्हें वापस हम रिवर्स भी कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिज़िकल एंड विच आर केमिकल मेक अ टेबल वुड मेक अ टेबल फ्रॉम वुड बर्निंग वुड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट राइपिंग ऑफ टमेटो रस्टिंग ऑफ आयरन ये ये आपके लिए होमवर्क है मैं आपको इसे एज अ होमवर्क देता हूँ नेक्स्ट वेन एन आयरन आर्टिकल रस्ट और रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्स ऑन इट अ ग्रीनिश लेयर इज ऑल्सो इज सीन टू फॉर्म अ कॉपर आर्टिकल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रसन ऑफ मेटल्स दिस एयर अभी ऑक्सीजन मॉइस्चर और जो वेपर्स केमिकल वेपर जो होता है हवा में जब वो एक साथ आता है और कोई भी आयरन की चीज को वो आके चिबक जाता है और वो उसे रश्ट करना शुरू कर देते हैं रस्टिंग ऑफ़ आयरन अभी रस्टिंग ऑफ आयरन रिवर्स भी की जा सकती है अगर उस आयरन को घिस दिया जाए और उसके ऊपर तेल से उसे अच्छे से रगड़ा जाए या उस 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 जो आयरन है उसके ऊपर तेल लगाया जाए या कोई भी रुब्लिकेट लगाया जाए तो वो साफ़ हो जाएगा आयरन वापस नॉर्मल हो जाएगा तो ये हो गई रस्टिंग की बात तो आजकल बस नहीं आया हूँ आपको वीडियो पसंद होगा अगर वीडियो पसंद होगा वीडियो को लाइक वीडियो को शेयर चैनल को सब्सक्राइब और तब तक के लिए गुड बाय हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट चैप्टर में जो है एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर्स तो तब तक के लिए गुड बाय